मेहमान जुड़ चुके हैं और इसीलिए पहला राउंड डिबेट का पक्ष विपक्ष की गूंज। कल 3 बजे यही वक्त होने वाला है अजय आलोक जी, तारीखों का ऐलान हो जाएगा। नर्वसनेस है, कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस है? मैं शुरुआत करता हूं रूबिका जी। तय बीजेपी, लय में बीजेपी, जय बीजेपी, मोदी मय है भारत। फिर कहां बात कर रही है 24 की औपचारिकता है। 24 का परिणाम जनता लिख चुकी है ऑलरेडी। अब की बार 400 पार और 10% मेरे प्रदेश से, बिहार से, 40/40। मुझे शक्ति भाई दिख रहे हैं स्क्रीन पे। फिर से उनका खाता नहीं खुलने जा रहा है, ये तय है। अब काका जी भी बगल में दिख रहे हैं, मेरे पड़ोसी हैं, वहां से 20%। तो 2 प्रदेश 30%, 400 में ये पक्का है। ये प्रतिशत जो यहाँ पर बता दिया है, दोनों को स्क्रीन पर लाई है, आरजेडी और समाजवादी पार्टी दोनों को खुला चैलेंज यहाँ पर अजय आलोक ने दे दिया है। शक्ति यादव जी, बिहार से आते हैं आपके साथी जो अब बीजेपी के प्रवक्ता बन चुके हैं, वो कह रहे हैं बाजी मार ले जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। रुबिका जी, एक कहावत है हमारे बिहार में, मच्छर का मंत्र नहीं जानते और सांप के विष उतारने की बात करते हैं। गांव जाते नहीं और गांव का मियाज बताते हैं। रहते हैं पटना में, गांव जाए तब तो गांव का मियाज का पता चले। बिहार में इस बार महागठबंधन, ये जो अनैतिक गठजोड़ है ना, इसको बिहार की आवाम इस बार सरहद पार ढकेलेगी। पहले जो अपना इनका अंतर्द्वंद्वता है जिसके ये शिकार हो रहे हैं, आत्मता की प्रकाष्ठा पे रह करके जितनी तरह की आपको अटकलबाजियां करनी है, परसेप्शन परोसना है, आपको लाना चुनाव के पहले, मानो अभी कल होना है आचार संहिता लागू, कल से घोषणा होना है, पहले ही 400 ही पार हो गए, 1,00,000 सैंपल सर्वे के आलोक में तथा कथित पार हो गए। अरे यार, तो कल अब क्यों इलेक्शन कमीशन घोषणा कर उसके पहले लोकसभा में ला करके बिल ले आओ कि हमारा प्रसप्शन है, चार तो पार का हम सरकार बना रहे, चुनाव की आवश्यकता क्या, वोटों की आवश्यकता क्या, हम बना लेते हैं सरकार। इस बार भाजपा तरीपा बिहार में, तो कम से कम मैं चुनौती के साथ करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी षड्यंत्र यहाँ चलने वाला नहीं है। इनके पास न नेता है न नियत है, ये तो पिछलगुआ है, कि सब सदैव पिछलगुआ वाला काम के यहाँ कि पथरूम पकड़ कर राजनीति करने की। अब इसका तो जवाब लेना पड़ेगा, इसका जवाब तो अजय आलोक से लेना पड़ा है, लेना ही पड़ेगा। अजय आलोक जी, 30 सेकंड में जवाब दीजिए, आरोप आप पर लगा रहे हैं और मुस्कान जो है वो मनोज काका की बढ़ती चली जा रही है। कह रहे मच्छर मारने की दवा नहीं और सांप का विष उतारने की बात करते हैं। अरे सांप का तो फन कुचल दिया था 2019 में ही, जब 0 पे आउट किया था, भूल गए क्या? ऐसी बिहार की जनता ने किया था तो सांप चार कौन है, सांपनाथ कौन है, ये तो पूरे बिहार की जनता जानती है। 15 साल आप लोगों ने जिस तरह से लूटा है और अभी भी जिस तरह से लूटा सरकार में रह के, उसकी भी फाइलें खुल गई हैं, उसकी भी जांचें हो रही हैं। और जब मैं ये कह रहा हूँ 400 पार, उस पर आप बौखला गए, उस पर आप बौखला गए कि बीच में संसद में ले आते संसद में, आपके ये बौखलाहट है, सुनिए आप ये बौखलाहट। शक्ति जी, शक्ति जी, आलोक जी, आप दोनों को मैं पूर्ण मौका दूंगी ना, पूरा मौका दूंगी। एक एक करके अपनी बात रखिए ना, जनता सुनना चाहती है आप क्या कह रहे हैं। आप दोनों ने अपनी बात रख ली है, हमारे साथ मनोज काका भी। मनोज काका, चैलेंज तो आपको भी किया है, मुझे ये बताइए अब की बार 400 बार या फिर अब की बार आप लोग बाजी मार ले जाएंगे? नहीं, अब की बार जनता की जय होगी, अब की बार लोकतंत्र का जय होगा, अब की बार जो 22,217 बांड खरीदे गए हैं उस आधार पर अब की बार ये इस पर इन मुद्दों पर चुनाव होगा कि 2 करोड़ रोजगार मिला कि नहीं, काला धन वापस आया कि नहीं, अच्छे दिन वापस आए कि नहीं, इन सब बुनियादी सवालों पर, किसान की आय दुगुनी हुई कि नहीं, जो कहते थे कि सर दिखाने, एक सर काटने वाले का 10 सर ले आएंगे, वो चाइना बॉर्डर पे हमारी क्या हालत है, इन सब बुनियादी सवालों पर चुनाव होने वाला। और जब आप आंकड़ों की बात करेंगे तो पूरे देश में 4,000 से ज्यादा विधायक हैं, उसमें अभी भी भारतीय जनता पार्टी के 1400 समथिंग विधायक। मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, मुद्दे की बात कर रहे हैं ना, मुद्दा क्या होगा? मैं जरा एक बार दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, अजय आलोक आप भी मुद्दे पर जवाब दीजिएगा। और इस वक्त हमारे साथ झा साहब भी जुड़ चुके हैं, आपको श्रीवास्तव जी, अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, रूबिका बात तो सुनिए, हाँ मनोज काका बोलिए बोलिए, पूरी मैं खत्म कर रहा हूँ जी। मैं बात, एक वो जो बात है ना
कि तेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं, कमाल है तुम्हें फिर भी यकीन नहीं, और मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहीं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। जो सरकार 2014 के बाद, पूरा देश जानता है कि 2014 के बाद लगातार बिहार में हारे, दिल्ली में हारे, 9 राज्यों में जहां भारतीय जनता पार्टी हारी है, रिपोर्ट है कि 9 राज्यों में उसने सरकार खरीदा। अब रुकिए, वो सरकार ने कहती है, वो सरकार कहती है जिनके पैरों के नीचे जमीन नहीं और उनको बड़ा गुमान है, पर ये सर ये दोधारी तलवार है, ये आपके लिए भी इस्तेमाल हो जाएगी, ये शेर आपके लिए भी इस्तेमाल हो जाएगा, मत भूलिए आप। अब एक बार मुद्दा चुके आपने मुझे याद दिलाया, मुद्दा एक बार दर्शकों को बता देना चाहती हूँ, कौन कौन से मुद्दे हैं जिन पर इस बार 2024 के चुनाव लड़े जा सकते हैं, पहले वो मुद्दे मैं आपको बता देना चाहती हूँ और उसके बाद इस डिबेट को आगे ले जाऊंगी। ये देखिए, सीए, राम मंदिर, महिला आरक्षण, आर्थिक विकास, बेरोजगारी, जातीय जनगणना, महंगाई, धारा 370 हटाना, मुफ्त अनाज, मजबूत सरकार की गारंटी, ये वो सारे मुद्दे हैं जिन पर इस बार चुनाव होने की संभावना है कि नहीं, इसका जवाब आप देंगे। हम नहीं होते कोई जवाब देने वाले, क्योंकि आप ही चुनेंगे आपका मुद्दा क्या ये है या कोई और मुद्दा है। सीधा रुख करते हैं बाकी सारे मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अक्कू जी, आपको क्या लगता है इस बार किस पर चुनाव लड़ा जाएगा, राम मंदिर, सीए, विकास, देशहित, क्या होगा मुद्दा? मैं आपके सवाल का जवाब जरूर दूंगा, एक शेर, क्योंकि ये सब शेरो शायरी का दौर चल रहा है और शुरुआत है, मस्ती थोड़ी होनी चाहिए। तो फैज साहब का एक शेर है ना, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, सब लोगों के लिए है, देखिए पाते हैं उफाक बुतों से क्या फैज, एक बरहमन ने कहा ये साल अच्छा है। बीजेपी कह सकती है ये साल भी अच्छा है, बाकी के लिए ये साल अच्छा है। तो फिलहाल तो ये, जहां तक बात यह है मुद्दों की, तो मुद्दे एक नहीं है और कई मुद्दे हैं, जिसमें एक अस्मिता का मुद्दा है, राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र के पनपने बढ़ने का मुद्दा है, लोगों की शक्ति का मुद्दा है, आर्थिक मजबूती का मुद्दा है, और मुद्दा बेरोजगारी भी है, मुद्दा महंगाई भी है, लेकिन इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हैं, और जब कुल मिलाकर के मुद्दे सामने आएंगे तो आदमी उसी पर डालेगा, किसी एक मुद्दे पर बात नहीं होने जा रही है, सिर्फ एक बेरोजगारी पे नहीं होगी, बेरोजगारी है और महंगाई है, तो इस पे ये पता करना होगा कि विपक्षी दलों ने कितना बड़ा आंदोलन उसके लिए किया है खड़ा, मतलब उसके लिए क्या परसेप्शन बिल्डिंग हो पाई है। ये जवाब तो मनोज काका और शक्ति सिंह यादव को देना है, लेकिन अभिषेक झा भी हमारे साथ जेडीयू से जुड़ गए हैं। अभिषेक, कितना कॉन्फिडेंट आप? हमारा कॉन्फिडेंस तो जनता की वजह से, नीतीश कुमार जी के एनडीए में शामिल होने के बाद रूबिका स्थितियां और बेहतर हुई हैं। पिछली बार स्वरूप को 40 में से 39 सीटें जनता ने दी थी, इस बार हम क्लीन स्वीप करने जा रहे हैं, 40 में 40 सीटें मिलेंगी। और हमारा ऐसा मानना है कि परीक्षा की तैयारी नहीं की जाती है, परीक्षा के लिए हमेशा तैयार रहा जाता है। चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा, हम हमेशा जनता के बीच रहते हैं, पूरी तरीके से तैयार रहते हैं। पर अभिषेक, जो लोग भ्रम में हैं, आपके तो सब्जेक्ट ही बदल जाते हैं ना, परीक्षा तो आपको देने पड़ती है, कभी आपका सब्जेक्ट होता है बीजेपी, कभी सब्जेक्ट बदल कर आरजेडी हो जाता है, फिर बदल कर बीजेपी हो जाता है, आपके लिए तो बहुत टफ सिचुएशन है। एकदम टफ नहीं रूबिका जी, हमारे साथ परीक्षा देने वाले लोग बदल जाते हैं, हमारा सब्जेक्ट विकास रहा है, न्याय के साथ विकास का एजेंडा शुरू से है, जनता के साथ जो हमारा कमिटमेंट है, साथ निश्चय पार्ट वन पार्ट टू के माध्यम से, वो तो सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो पाई है, कभी नहीं बदलता, कहां मामला अटक रहा है, क्यों अटकेगा मामला, और किसने कहा कि सीट शेयरिंग नहीं हो रही है, अब तक खबरें नहीं पहुंची है ना, बहुत जल्दी आप तक भी खबरें पहुंच जाएंगे, उनसे पूछिए ना जिनके यहाँ इतनी नूरा कुश्ती है, एक दूसरे के खिलाफ इतनी बयानबाजी और बातें बड़ी बड़ी, दो लाइनें मैं भी कह देता हूँ कि आईना जब भी उठाया करो, पहले देखा करो फिर दिखाया करो। तो हमारे कुनबे के खिलाफ बोलते बोलते पहले सोचना चाहिए इनको कि किस नूरा कुश्ती के साथ ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जरा बताइए ना कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी जब चुनाव लड़ रही होगी तो ये लोग पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ बोलेंगे, फिर दिल्ली में आते ही एक दूसरे के साथ हो जाएंगे, फिर गुजरात में साथ रहेंगे, तो ये किस प्रकार का गठबंधन है, हमने कई बार सुना है। नहीं, पर गठबंधन का लोकसभा विधानसभा बिहार में भी फंसा हुआ है, वहां महाराष्ट्र में भी फंसा हुआ, और मैं केवल आपकी बात नहीं कर रही हूँ, एनडीए की बात नहीं है, इंडिया अलायंस के साथ भी यही परेशानी है। शक्ति जी, आईना उठाइए, देखिए वो सारे जो आपको शेरो शायरी में उलझाने की कोशिश की है, और सवाल ये कर रहे हैं कि आप अपना देखिए ना, आपकी सीटें काहे शेयर नहीं हो पा रही अब तक, सब इतना भला चंगा है तो फिर दे दीजिए ना सीटें, खत्म कीजिए मामला। रूबिका जी, आप देश के एक ऐसे एंकर हैं जो हर सवालों पर, हर विषयों पर आपकी नजर होती है, सवाल परसेप्शन आप क्रिएट कर सकते हैं,
सकती हूँ, लेकिन हकीकत का सामना तो चुनाव में करना पड़ेगा। हकीकत है नौजवान के रोजगार का, जिसने बिहार में एक नजीर पेश 17 महीना बनाम 17 साल। तेजस्वी जी की इच्छा शक्ति